जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे जैसा कि आप सब नाइन्थ क्लास के बच्चों जो हमें फॉलो कर रहे हैं बेटे, वो देखते हैं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 चैप्टर नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइजेशन की टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन की टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइजेशन की टाइप 3, क्वेश्चन नंबर 4 में टाइप 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो है टाइप 5 के क्वेश्चन। अब बेटे अगर आप गौर करें तो इस टाइप 5 के क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। वो सबसे पहले उसमें है ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब बेटे जब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे बेटे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज़ तो जो यहाँ पे पड़ी हुई है वो ये कि फार्मूला कम्प्लीट हो रहा है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वेयर या ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, और दूसरी चीज़ क्या है बेटे, वो है माइनस का सी स्क्वेयर। ठीक है, अब जब बेटे ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फर्ज करें ये कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, और माइनस का सी स्क्वेयर, तो अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला बन गया है ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बनने हैं। अच्छा बेटे अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, बट बेटे सबसे पहले हमने पहचान करनी है यहाँ पे कि ए फार्मूला क्या कंप्लीट हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर जो है बेटे वो कहाँ पे बन रहा है। तो बेटे अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये x की वैल्यू बिल्कुल अलग है, ये x की वैल्यू को मैंने सेपरेट कर लिया, इन तीनों में से माइनस कॉमा ले लिया तो बाकी क्या बचा, वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 9। ठीक हो गया बेटे, अब हमने इसकी क्या करनी है बेटे जी, मिड टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, जब हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो हमने कोई सी दो वैल्यूज ऐसी लेट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए। 9 के एलसीएम लें, 3 3 9 3 1 3, तो 3 में 3 ऐड करें 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, तो ये आ गया जी वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 9। तो बेटे ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस, फिर वही पुराना काम, हमने दो दो वैल्यूज़ का क्या बना लेना है बेटे जी, पेयर, तो वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 9। तो बेटे ये क्या आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस, क्या कॉमन आ रहा है बेटे y, बाकी क्या रह गया y प्लस 3, क्या कॉमन आ रहा है बेटे 3, बाकी क्या रह गया जी y प्लस 3। तो बेटे ये क्या आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 3, और बेटे जी ये भी वाई प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वेयर। ठीक हो गया बेटे, ये हमारे पास क्या आ गया बेटे जी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वेयर। अब देखिए फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसका मतलब है एक्स में एक दफ़ा वाई प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस, और बेटे जी एक्स में एक दफ़ा ये क्या हो जाएगा बेटे माइनस। ठीक है, तो अगर आप ब्रैकेट खोलें तो ये आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई प्लस 3, और ये आ जाएगा जी एक्स माइनस वाई माइनस 3। अब चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। ना बेटे अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। अब देखिए बेटे 5 वैल्यूज़ में मैं किसी का भी आपस में पेयर नहीं बना सकता, या तो 6 वैल्यूज़ हों तो मैं 3-3 का पेयर बना लूँ, या 4 वैल्यूज़ हों तो मैं 2-2 का पेयर बना लूँ, मैं किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेटे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंट की वजह यहाँ पे एक थोड़ी सी लॉजिक इस्तेमाल होगी, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2y। नाउ बेटे अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे बेटे, तो ये 3 है, अगर मैं इन 5 वैल्यूओं को 6 बनाऊँ तो बेटे मैं 4 को यूँ लिख सकता हूँ प्लस 4 माइनस 1। ये प्लस 4 माइनस 1 करने से क्या हो गया, ये प्लस 4 माइनस 1 करने से बेटे ये हो गया कि 6 वैल्यूज़ बन गई। अब जब 6 वैल्यूज़ बन गई हैं तो मैं 3-3 का बेटे जी क्या बना लूँगा, पेयर बना लूँगा। तो पेयर किसका बनेगा, सबसे पहले ये एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू है, फिर माइनस 4x वाली वैल्यू है, और फिर बेटे प्लस का 4। अब वाई स्क्वेयर वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन लिया तो वाई स्क्वेयर, ये माइनस 2y है तो ये हो जाएगा प्लस 2y, ये माइनस 1 है तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन अलहदा करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन बेटे जी अलहदा करनी है। आप 4 की फैक्टराइजेशन आप सबको पता है, 2 2 माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4, और बेटे जी ये वाई स्क्वेयर 2y कैसे आएगा, y प्लस वाई। ठीक हो गया बेटे, 9 दो दो का हम क्या बना लेंगे पेयर, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो बेटे 2x माइनस 4। ठीक है बेटे जी, 9 माइनस ये क्या आ गया जी वाई स्क्वेयर प्लस वाई, प्लस कॉमन लिया तो बेटे जी ये वाई प्लस 1। नौ बेटे क्या कॉमन आया, x, बाकी क्या रह गया x माइनस 2, क्या कॉमन आया बेटे जी माइनस 2, बाकी क्या रह गया x माइनस 2, माइनस बेटे क्या कॉमन लिया y, बाकी क्या रह गया y प्लस 1, प्लस 1 कॉमन लिया बेटे, बाकी क्या रह गया y प्लस 1।
तो बेटे ये हमारे पास क्या आ गया x माइनस टू एक्स माइनस टू, और बेटे ये क्या आ गया y प्लस वन वाई प्लस वन, यानी कि ये हमारे पास बन गया x माइनस टू का होल स्क्वायर, और बेटे ये हमारे पास बन गया जो y प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका थोड़ा सा पार्ट बेटे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब बेटे इसका ये मतलब हुआ ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए में एक दफ़ा प्लस बी और बेटे जी ए में एक दफ़ा माइनस बी, ए में एक दफ़ा माइनस बी। तो जब ब्रैकेट खोल लें तो एक्स माइनस टू प्लस वाई प्लस वन, एक्स माइनस टू माइनस वाई माइनस वन। तो बेटे ये क्या आ गया, ये आ गया जी एक्स प्लस वाई माइनस टू में से वन निकाला माइनस वन, और बेटे ये एक्स माइनस वाई माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो बेटे अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.1 को अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब बेटे टोटल मिला के हमने यहाँ पे पांच टाइप्स को डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन के, और बेटे फैक्टराइजेशन की इन्हीं पांच टाइप्स ने बार बार हमारे पास क्या होना है बेटे जी, रिपीट होना है। तो बेटे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज नंबर 5.1 समझ लगी होगी, और बेटे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी फैक्टराइजेशन की उतनी कमांड उस पर बढ़ेगी। लेकिन बेटे अगर आप ये समझेंगे कि भाई नहीं मुझे क्वेश्चन समझ आ गए हैं मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो बेटे ये आप लोगों की गलत फहमी है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपनी स्टडी को बेटे प्रॉपर टाइम दें। अल्लाह हाफिज़।